बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के 21 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है तो इम्पोर्टेंट भी है। जरा देखते हैं इसे कैसे करते हैं, चेक करें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x-a cos x-b। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, किसी तरह ऐसा कोई फार्मूला बनाए ट्रिग्नोमेट्री का कि ये सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए। देखो, ऐसा करूं, अगर इस इंटीग्रेशन में मैं साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूं और साइन ए माइनस बी से ही डिवाइड करता हूं, बाकी सब एज इट इज। कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डीएक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसे ऐसे बना लूं, यहां से ऊपर जो ये वाला है 1 अपॉन, ये तो साइन ए माइनस बी तो कॉन्स्टेंट की तरह बाहर ले लेता हूं, और ये साइन ए माइनस बी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, मान लो साइन ए माइनस बी, इसमें मैं एक्स ऐड कर देता हूं और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये ऐसे बन जाता है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब फिर से देखो, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर है इंटीग्रेशन। इस वाले को मैं ऐसे लिखूं, साइन एक्स माइनस बी, ये एक्स माइनस बी, और इन दोनों से माइनस कॉमन लेकर ऐसे लिख देता हूं एक्स माइनस ए डी एक्स। इसका फायदा देखना क्या मिला हमें, कोस एक्स माइनस बी ये एज इट इज चलता रहेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर। ये साइन एक्स माइनस वाई की आईडी हो गई बच्चों। साइन एक्स माइनस वाई की आईडी क्या होती है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो ये बन गया साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डी एक्स अपॉन, ये एज इट इज चला, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। है नहीं बढ़िया क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो इंटीग्रेशन, इसके साथ इसे अगर सेपरेट करूंगा तो कोस एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहां से तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बनता है वो देखिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रल बता सकते हैं बच्चे, लोग सेक एक्स या माइनस लोग कोस एक्स, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लोग कोस एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज था, इसका हो गया माइनस लोग कोस, तो वो माइनस मैं यहां करते हुए प्लस कर देता हूं, लोग कोस एक्स माइनस ए, पूरे से कॉमन 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये अंदर बच गया बच्चों लोग कोस एक्स माइनस ए
माइनस लोग कोस एक्स माइनस बी, लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम अपॉन एन, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी लोग एम अपॉन एन कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी डी प्लस कोई कॉन्स्टेंट सी, वो तुम पहले से ऐड कर सकते थे। तो ये पूरा इंटीग्रेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा अलग है। अब जरा देखो तो ये जैसे ये इंटीग्रेशन है 23rd, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ये अपोन ये अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, और ये अपोन ये अलग कर दीजिए। तो जब इसे करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स कट गया, वन अपोन कोस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, टेन एक्स कोई से में भी आ सकता है। माइनस दिस अपोन दिस करूँगा तो ये कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कोटेक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन एक्स प्लस कोटेक्स प्लस सी, यानी ई पार्ट ही इसका सही है, ठीक है। 24th में जरा देखोगे तो मैं इसे जो ब्रैकेट में है ना एक्स ई की एक्सी से टी मान लूँगा, तो ये पूरा ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन कोस स्क्वायर टी बन जाएगा सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन टी, यानी बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएगा एक्सरसाइज से, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, अभी कुछ नए फार्मूला आपके सामने आने वाले हैं, मैं आपको नोट कराता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए इंटीग्रेशन कुछ स्पेशल टाइप के हैं, इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शंस। आज आप ये फार्मूले याद करेंगे और फिर बाद में इनका यूज होगा। पहले तो कुछ पुराने फार्मूले आप देखिए, आपके पास था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या था बताओ, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स आपके पास था कोस इनवर्स एक्स का, कितना था माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स आपके पास था कितना वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही आपके पास डी अपॉन डी एक्स था कोट इनवर्स एक्स का, ये था माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही आपके पास था डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, शायद ये था वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स आपके पास था कोसेक इनवर्स एक्स, ये था बच्चों कितना माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, कहीं भी आपके यूज हो सकते हैं, आप इन्हें याद जरूर कर लें, कहीं भी यूज होंगे। इसके अलावा अभी आपको देखिए मैं छह फार्मूले अभी बताऊंगा। पहला फार्मूला उनमें क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ये है, एक इसमें ये प्लस वाला है, एक हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले इन तीनों के बता देता हूँ, इसका हो गया वन अपॉन टू ए लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, इसका हो गया वन अपॉन टू ए लोग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, इसका हो गया वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
ठीक है, याद रखें प्लस सी। अब ये तीनों रूट में चले जाएंगे, यानी ऐसे वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक हो गया वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक हो गया वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तीनों देखिए ये छह फार्मूले बहुत काम आएंगे आगे। ये हो गया लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस सी, ये बन गया बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई प्लस सी, और ये हो गया लोग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस सी। इसमें तीन फार्मूले और ऐड होते हैं तब ये पूरे होते हैं, नौ फार्मूले हैं ये टोटल। लेकिन वो पैटर्न शायद मैं देख रहा था, अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, पर उसे छोड़कर भी काम नहीं चलेगा, तो मैं बताऊंगा तो ज़रूर आपको। पहले आप ये वाले फार्मूले आज अच्छे से नोट कर लीजिए, और कल जब हम क्वेश्चन डिस्कस करने बैठेंगे तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।